सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। यूपी नगर निकाय के दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा, वहीं 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए पार्टी से लेकर प्रत्याशी पूरी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान होगा। पार्टी से लेकर पूरी तैयारियां कर चुके हैं, प्रत्याशी भी जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे जनता का समर्थन मांग रहे हैं। इसी बीच नगर संग्राम में आज हमारे साथ एकराम जुड़ेंगे, जो कि नगर पंचायत फतेहपुर बाराबंकी से चेयरमैन प्रत्याशी है, निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी है एकराम आलम। जनता के बीच इन्होंने अपना एक खास पहचान बनाई है, लोगों की सेवा की है, मदद की है, इसीलिए जनता इनको बहुत पसंद करती है, जनता के बीच खास लोकप्रिय है। जनता का इन्हें बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समर्थन मिल रहा है। आपको ये भी बताते चले कि हमारे साथ आज नगर संग्राम में एकराम हमारे साथ अभी थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। समाज सेवी के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, संघर्ष करने वाले में से नेताओं की इनकी एक गिनती होती है। समाज सेवी के रूप में इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है, जनता का खासा जनाधर इनके साथ है, इनको समर्थन मिल रहा है भरपूर। और ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चेयरमैन के प्रत्याशी हैं फतेहपुर बाराबंकी से। तो नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए लगातार पार्टी से लेकर प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल 9 मई को प्रचार प्रसार थम जाएगा। नगर निकाय चुनाव दूसरे चरण के मतदान होने के लिए कल जो है प्रचार प्रसार थम दिया जाएगा। वहीं हमारे साथ अभी थोड़ी देर में नगर संग्राम में जुड़ेंगे एकराम, जो कि फतेहपुर बाराबंकी से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय चेयरमैन के प्रत्याशी हैं। एकराम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। एकराम, सबसे पहले हम आपके राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा रहा अभी तक का आपका राजनीतिक सफर? ये पहले पूरा मेरा नाम एकराम आलम है जी मैडम, हाँ सॉरी इस वजह से बोल देना चाहिए था। राजनीतिक सफर हमारा ये है, क्योंकि हम व्यापारी भी हैं और जो मिल्लत के काम है, हर तरीके से सारे हमारे भाइयों को, कस्बे के नगरवासियों को, सबको पता है कि सुलह की बात ही हमेशा हमारे दिल के अंदर रहती है और जो भी फैसले लेते हैं वो सबको एक राय हो करके ही हम ले लेते हैं। अकेला अपना कोई बात हम नहीं चलाते कभी, ये सारे लोगों को पता है। और जो भी हमारा काम है वो मिल्लत का ही रहा है, मिल्लत मीन्स एकता का ही काम रहा है, क्योंकि वो और एकता रखने वाले लोग हमको बहुत पसंद करते हैं और हम इसी आशा पर चुनाव में खड़े हुए हैं और हमें मोहब्बतें मिल रही हैं, लोगों से वादे मिल रहे हैं। और वोट मांगने का जो तरीका है और इसका नाम है वोट मांगना, हम मांग रहे हैं अपने भाइयों से कि आप लोग हमें वोट देकर विजयी बनाएं और कामयाब बनाएं और उस तरीके से हमको काम करने के लिए दुआ भी दें हमको कि मतलब हम आपके साथ जिस अंदाज से बात करें उस अंदाज से आप हमसे जुड़े रहें, उसी अंदाज से मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगी। एकराम जी, आपके साथ रेहान शेख जी हैं, उनका भी प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम जी। और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का जी मैम। एकराम आलम जी, आप चुनावी मैदान में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? रेहान साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, और चूंकि मतलब जिस अंदाज से वो हमारे साथ हैं तो ये लोगों को पता है कि ये भाई ही हैं और ये भाईचारे की ही बात करते हैं। इनकी बड़ी इंसानियत है, बड़े कारोबारी भी हैं और सारे लोगों से मिल्लत की ये भी बात करते हैं। कोई गुरेज परेज, कोई मतलब इंसानियत के खिलाफ बात करना, सबसे मिलते हैं, सबके काम आते हैं। इनका भी जो है राजनीतिक करियर ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मालूमात चूंकि बॉम्बे से भी इनका कारोबार टच है, यहाँ भी इनकी काश्तकारी जमीनें वगैरह हैं और यहीं के मकामी रहने वाले हैं और सारे लोग भली बात जानते हैं कि रिहान साहब एक अच्छे करियर के नेक इंसान हैं जी। एकराम आलम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप चुनावी मैदान में हैं तो आप अपना मार्गदर्शक किसको मानते हैं? मार्गदर्शक हमारे जो है, जो जनता है यहाँ की, फतेहपुर के नगरवासी हैं, तो उन्हीं को हम मानते हैं, वो सारे लोग को ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि एकता की बात मैंने की है
मिल्लत की बात मैंने की है, तो सारे लोग मिलकर के मार्गदर्शक हैं हमारे। एकराम आलम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चुनावी मैदान में हैं आप राजनीति में हैं, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना अभी तक आपने किया है? हम जो है चुनौती हमको कोई सामने नहीं है, हम मिलते हैं, वोट मांगते हैं, हमको उम्मीदें मिल रही हैं कि हम आपको वोट देंगे। हम अपील भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भैया ये आपका और मेरा काम है और सब लोग मिल करके मेरा साथ दो, और मेरे लिए ये भी कहो कि जिस अंदाज से आप हमारे लिए हमको बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो, और मैं उसी तरीके से उस रास्ते पे चलता रहूं और आपके साथ जुड़ा रहूं। बस आलम जी, एकराम आलम जी, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी बड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं? भाई देखिए, बड़ी समस्याएं सुचारू रूप से जो भी काम था नगर पंचायत का वो चल ही रहा था, लेकिन जो है कि आज जो सफाई है ये मेन होती है इस कस्बे के अंदर की, और ये सफाई के लिए कोई समय नहीं होता है। आज सफाई की गई, कल गंदगी आ गई, तो ये परमानेंट हमको ये काम करना है कि हमारे रास्ते इसी काम को बने रहें कि रास्ते बनवाना, सफाई कराना, मतलब कि इस बात के लिए कौम में मिल्लत कराना, अगर कहीं कोई भाइयों में कोई दरार करा रहे उसको मिल्लत कराना, और बस ये चीज़ें हैं। और जो भी नगर पंचायत के अपने कानून हैं उन व्यवस्थाओं के साथ हम जो है कि चलते चले। मेरा सवाल रेहान जी से है। रेहान जी, आप समर्थक हैं तो जनता के बीच जा रहे हैं, और आलम जी को किस तरीके से आप समर्थन दे रहे हैं और जनता का क्या जनाधार देखने को मिल रहा है? मैम, हम लोग पॉलिटिकल देखते हैं जी, हमारा काम हमारा बिजनेस रहा है, और हमारा बेस ये है कि ये हमारी मस्जिद पर हमारी जन्मभूमि है, और कर्म भूमि हमारी मुंबई है। 45 साल से हमारा कारोबार वहाँ पे चलता है। अब इतफाक ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली ये सीट जो है यहाँ की पहले सामान्य हुआ करती थी जी, जिसको हमारे मशकूर साहब लीड करते थे जी। 70 सालों से लोगों के साथ वो जुड़े रहे और 70 सालों तक उनका साम्राट यहाँ चलता रहा। अब अनफॉर्चुनेटली ये बैकवर्ड हो गई सीट। बैकवर्ड होने के बाद मशकूर साहब ने 50,000 लोगों की आबादी वाला ये फतेहपुर है, जिसमें करीब अप्रोक्सीमेट 44,500 वोटर है इसके अंदर, तो 44,500 वोटर में ये बात आई कि भाई किस प्रत्याशी को चुना जावे जो कस्बे को लेके साथ में हिंदू मुस्लिम एकता को साथ में लेके चले। यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे यूपी के अंदर, बल्कि बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कस्बा बड़ा मशहूर रहा है इस मामले में कि हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ की बड़ी ऊंचाई पर रखी गई है, बहुत लोगों का सम्मान रहा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ हमेशा चले हैं मिलके। तो उनका कहना यह था कि हम ऐसा आदमी कोई लाएं इस कस्बे के लिए, अगर ये बैकवर्ड सीट हो गई है, जो उसी परंपरा को हमेशा के लिए वो कायम रखे और लोगों को लेके चले। तो उन्होंने इकराम आलम के सर पे हाथ रखा और इनको कस्बे की आगे रहनुमाई के लिए इनको आगे बढ़ाया। बहरहाल ये काम हमारे लिए बड़ा मुश्किल था जिस वक्त ये सीट डिक्लेयर हुई और इकराम भाई आलम पे हाथ रखा, क्योंकि ये तैयार नहीं थी इस चीज के लिए, कभी इनका मिजाज नहीं था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये कारोबारी है, इनके बाप दादा कारोबारी थे, तीन पुश्तें इनकी, तीन नस्लें चल रही हैं, तीसरी जनरेशन है इनकी जो कारोबार ही करते चले आए हैं। आज फाइनली इनके ऊपर ये आ गया और लोगों का हुजूम आ गया यहाँ पे कि ग्राम भाई आप आगे बढ़ो और आपको ये काम करना चाहिए, हम लोग ये चाहते हैं, जनता की हम डिमांड थी कि हम ये चाहते हैं कि आप ये काम करिए। बहरहाल ये आगे आगे जनता के कहने पर उस स्टार्ट में हमको, हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, कोई नया काम था, नई चीजें थी, लोगों से नया मिलना था, प्लान पता नहीं था हम लोगों को क्या करना है, लेकिन आज हमारे लिए ये इतना आसान हो गया है और पब्लिक इस कदर हमारे साथ है, हमारे शोल्डर टू शोल्डर चल रही है, कंधे से कंधा मिला के हमारे से पब्लिक चल रही है, और सबका जनाधार इतना है, समर्थन इतना है, सिर्फ इस बुनियाद पे है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लीडर ऐसे हैं जो ये साबित करना चाहते हैं कि हम किसी कॉलेज के जो है प्रेसिडेंट रहे हैं, किसी कॉलेज के हम लीडर रहे हैं, और 30 साल से उनकी हिस्ट्री रही है, उनके फादर ने कोई इलेक्शन लड़ा है, तीन इलेक्शन उन लोगों ने लड़े हैं, 2 इलेक्शन उनके 5 साल हुए, 1 इलेक्शन 2.5 साल का हुआ है। ये हमारे जो चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन रहे मशकूर आलम साहब, इनकी वाइफ की डेथ हुई, वो इलेक्शन 1.5 साल रहा, वो इलेक्शन में भी वो साहब रहे हमारे बीच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको हार का ही सामना करना पड़ा और तीनों इलेक्शन वो अभी तक हारते चले आए हैं।
पब्लिक ने उनका साथ दिया, 5,200 वोट उनको कुछ मिले थे, 176 वोटों से वो हारे। आज उनका कहना है कि हम सेकंड पायदान पे हमेशा रहे, हमने इलेक्शन को लीड किया हमेशा, लेकिन हमारा कहना ऐसा रहा है कि 176 वोटों से हारने वाला आदमी आज भी मैदान में खड़ा हुआ है इस बात के लिए कि उसको फिर से हारना है, इस बात के लिए कि उसको फिर से हारना है और एक ऐसे प्रत्याशी से उसको हारना है जो जिसका कभी पॉलिटिक्स से सामना नहीं रहा। उनका एक कहना है हमेशा, वो हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि हम बड़े बहुत गरीब परिवार से हैं और हम बहुत गरीब प्रत्याशी हैं। अगर वो गरीब प्रत्याशी है वो तो 3 इलेक्शन 15 सालों से लड़ कैसे रहा है? अगर वो गरीब है तो उसको पहले अपने अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए। जब वो अपने परिवार की सेवा करके गुर्बत नहीं मिटा सका अपने घर की, तो फतेहपुर के कस्बे की समस्याएं कैसे मिटाएगा वो? इकराम आलम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। इकराम आलम जी हम आपसे जानना चाहेंगे मोहम्मद मशकूर का आपको भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इकराम आलम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मोहम्मद मशकूर का आपको भरपूर समर्थन मिल रहा है जैसा कि रेहान जी ने बताया, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई आज हमेशा हम उन्हीं के साथ हैं, मशकूर साहब जी, और जो है वो बड़े छोटे भाई की तरीके से हमको मानते हैं, और हमको ही नहीं वो पूरी कौम और जनता को ही मानते हैं जी। आज उनका जो ये 70 साल का सफर पारिवारिक रहा है, इस लाइफ में मतलब नगर पंचायत के अंदर उनका काम है, तो उन्होंने हम पर लोगों से कहते हैं कि अगर 50,000 या 44,000 जो वोट है उसमें उस शख्स ने अगर किसी की तरफ हाथ रखा है सर के ऊपर, तो ये आप समझ लीजिए कुछ तो खासियत होगी। ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सारे लोग ये हमारे कस्बे के जानते हैं, जिस मिल्लत के आदमी, जिस सोच के आदमी हम हैं, तो वो सारे लोग जानते हैं। और बड़े भाई की जो मोहर लग जाना वो हमारे लिए, ये आप समझ लीजिए, सोने पे सुहागा है, समझे? और बड़े भाई की हमेशा सोच मिल्लत की ही रही। उन्होंने खुलासा किया जो अंदाज से इकराम का कैरियर है, तो उस हिसाब से हमने कई जगह इकराम को परखा जांचा है, लेकिन हमको कभी कोई कमी नहीं मिलती है। तो इस वजह से हम जो है उन्हीं की बातों पे, जो सच्चाई की बातें हैं उनके ऊपर ही अमल करते हैं, है? और जो और वो शख्स मतलब आज तक मशकूर साहब जो है मिल्लत और कौम के अलावा अगर कोई किसी दूसरे की बात भी करता है, मतलब सिस्टम से जाने के बाद, तो ये आप सोच लीजिए हमेशा वो कह देते हैं, क्योंकि ये एक कस्बा जो है सब परिवार की तरीके से चल रहा है, इसके अंदर अच्छी सोचे रखें और अपना जो है सफर चलते रहें, बस ये बात। आप चुनावी मैदान में हैं इकराम आलम जी, चुनावी मैदान में हैं आप इकराम आलम जी, अन्य प्रत्याशियों से कैसी चुनौती देख रहे हैं आप? चुनौती क्या, जो मतलब मेन चुनौती ये होती है कि जिसके साथ जनता होती है और जो मतलब हमारे साथ जनता है, हमको मोहब्बत नामे मिल रहे हैं और मोहब्बत पेश करने के लिए अपना वादा करते हैं, और मतलब जिस वक्त हम किसी सफर पे पूरे उतर जाएंगे उस वक्त लोगों को ये मालूम है कि इकराम भाई जो है वो जिसके भाई हैं वो भाई बनकर काम करेंगे, जिसके भतीजे हैं उसके भतीजे बनकर काम करेंगे। इसीलिए हमारी 18 साल के नौजवान से और 90 साल के पिता चाचा से गुजारिश है कि हमको वोट देकर कामयाब बनाएं। इकराम आलम जी, आप प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। समाज सेवा में कैसे आए आप, आपसे जानना चाहेंगे। इकराम आलम जी, आप प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, समाज सेवा में आप कैसे आए? समाज सेवा में वालिद साहब स्वर्गीय अब्दुल वाहिद थे, तो ये आप समझ लीजिए उस वक्त में दुकानें बहुत कम थी, सट्टी के बाजार में कारोबार था, ये तो वहाँ पे जब बैठते थे तो गांव के लोग आया जाया करते थे, क्योंकि ये लमसम उम्र के हिसाब से ये सफर हम 40 साल से पिताजी का, हमने जो भी उनके साथ 10-15 साल रहने का
मौका मिला तो हमेशा वो यही कहते थे, एक बहुत गरीब आदमी की मदद के लिए वो बैठे थे, वो कुछ पैसे रुपए लिए, 500 उस वक्त बहुत होते थे, तो हमने कहा पैसे खुले लिए बैठे हैं, तो उन्होंने कहा फला व्यक्ति मदद करना है, तो हमने कहा नहीं ये लोग तो वो हैं, तो कहीं नहीं मदद में हसब नसब जात और ये नहीं पूछा जाता है, जरूरतमंद की मदद किया जाता है। उसी दिन से अपने पिता की बात से हमको नक्श हो गया, हमको परहेज खत्म हो गया, हम हर आदमी की हर इंसान की जरूरतमंद की मदद करने के लिए तैयार है। इलेक्शन का मौका है, ये मौके की बात नहीं, ये हमारे दिल की बात है। जी इब्राहिम आलम जी, जीत जनता का समर्थन अगर आपको मिलता है तो कौन कौन से ऐसे काम है जो अपनी प्राथमिकताओं में आप रखते हैं? जी जो भी उसके नगर पंचायत से मतलब तरीके और कानून है, हम अपने बोर्ड के सहमति के साथ और जो हमारे साथ उस जगह पर स्टाफ है वो जो हमको और मालूमात हासिल हो जाएगी उस हिसाब से हम दिन करके ही सारा काम करेंगे। और अच्छी सोच, अच्छी सफाई, अच्छे मतलब जो कार्य है उनको मिलना, सब कुछ हमको करना है। हमारे दिल के अंदर हम अपना वक्त निकाल करके, चूंकि अब बच्चे भी हमारे काम करने लगे हैं, हमको थोड़ा मौका मिलेगा तो इस उम्र का कुछ हिस्सा हम अपने नगर पंचायत के भाइयों के साथ ही अपना वक्त लगाएंगे। मतलब ये नहीं है कि आज हम कह रहे हैं और कल से हमारे मतलब फोन भी बंद हो और हम यहाँ से कहीं चले जाएं, हम लोगों के बीच में रहेंगे, हमारे साथ एक भाईचारे की मजाजी रहेगी, सारे मिल्लत के काम करते रहेंगे। हमको ये मौका ईश्वरी देन होगी, अल्लाह की तरफ से होगा, इसमें कहीं से कोई, सारे लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, हम सब कुछ मोहब्बत नामे के लिए अपना वक्त सब खर्च करने के लिए हमको मौका मिला, हम तैयार हैं। इब्राहिम आलम जी, स्वास्थ्य और शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, हर क्षेत्र में इसकी बड़ी समस्या है, क्या कुछ करना चाहेंगे आप स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर जो जब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक हमारा भतीजा, हम दो भाई हैं, एहसान आलम भाई हमारे हैं, हम दोनों लोग एक ही में पूरा परिवार रह रहा है और ये लोग समझ नहीं पाते कौन किसका बेटा है। एक कोटा में जो है IIT कर रहा, तैयारी कर रहा है, एक जो है हमारा लड़का भतीजा लड़का वो लखनऊ में मतलब CA कर रहा है, एक लड़का सिविल से डिप्लोमा कर चुका है, एक बच्चा दाल चावल की दुकान सट्टी के बाजार में बैठ करके घर के खाने खर्चे का पूरा इंतजाम एहतमाम क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे इकराम जी? शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, हम जनता के लिए जब हम यही बात मेरा, मैं वापस आता हूँ, जब हम अपने बच्चे और ये जो हमारा संगठित परिवार है जब इसमें हम सब कुछ कर रहे हैं और हम सारे लोगों से ये सब हम दोहराएंगे कि जब भाईचारा ही मानते हैं तो जो मसला है कि जब जो चीज अपने लिए अच्छी पसंद करो वो अपने भाइयों के लिए पसंद करो। इकराम जी, महिलाओं और बेटियों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? महिलाओं के लिए ये सबसे बड़ा मेरा आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो इस कस्बे के अंदर हमारे ऊपर ये आप समझ लीजिए माँ बहने जो रिश्ते हमारे हैं आज मतलब वो उसी तरीके से रहेंगे, जो अदब जिनका है, जो बेटियां है वो बेटी के तरीके से, जैसे गार्जियन अपने लड़की का रिश्ता लगा करके अच्छे लोगों में उसको अपने समाज में विदा करते हैं, उस जगह पर हम जरूर कहीं ना कहीं खड़े मिलेंगे उनके साथ में। इकराम जी, प्राइम टीवी के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी प्यारी जनता के लिए, अब हमारे दर्शकों के लिए? भाई आप दर्शकों के लिए भी करना है, क्योंकि चिराग तले अंधेला भी ना हो, इस वजह से कि ये हम इन लोगों से अपनी गुजारिश करेंगे और जो फतेहपुर की पूरी नगर पंचायत के लोग हैं, छोटे बड़े हमारे भाई चचा सबसे हम गुजारिश करेंगे कि नमस्कार करेंगे, आदाब करेंगे, सलाम अलैकुम करेंगे कि हमको वोट देकर कामयाब बनाएं। रेहान जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? आखिरी दो लाइनों में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ भी कुछ दिन पहले न्यूज चैनल वाले आए थे और इंटरव्यू उनका हुआ कि किसी अपोजिट पार्टी ने ये कहा
कि अंदर की बात है, चचा मियाँ हमारे साथ हैं और चचा मियाँ का सर हमारे सर पे हाथ है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। चचा मियाँ ऐसे नहीं है, मशकूर भाई का ये करेक्टर, ये किरदार नहीं है कि ओपन तरीके से एक साथ में रहे और क्लोज किसी के साथ में रहे, तो अंदर इस तरीके से रहे ऐसा नहीं है। और लोगों का कहना हुआ, इन लोगों ने हवा उड़ाई कि अगर मशकूर भाई इनके साथ होते तो इनके साथ बैठते। हालांकि हम आप लोगों को बता दें, थोड़ी उनकी तबीयत खराब रही है, इस वजह से वो बीच में हमारे आ ना सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही, इसमें दो मिनट आपका वक्त लूंगा मैं, जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस वक्त इनको उन्होंने प्रत्याशी बनाया, क्योंकि ये नए थे फील्ड के अंदर, इनको पता नहीं था, साथ उन्होंने जरूर दिया इनका, लेकिन उनका मानना ऐसा था कि ये कितनी दूर हमारे साथ चल सकते हैं, मतलब इनके अंदर का क्या टैलेंट है, ये क्या कर सकते हैं। इन्होंने इनको आगे बढ़ाया और इनको एक तरीके से तपिश में छोड़ दिया हम लोगों को कि जाओ तुम अपना जमीन अपनी जमीन तैयार करो और अपने आप को प्रूफ करो। आज ये है कि इनकी जमीन तैयार है। मशकूर भाई इस बात से बड़ा खुश है कि इन्होंने अपने बल पे पूरी जनता को फतेहपुर की जनता को जोड़ा और उन्होंने रास्ता बनाने का काम किया। राहगीर रास्ता हमेशा बताता है, राहगीर मंजिल तक नहीं पहुंचता है। आपको अगर अपनी मंजिल पर जाना है तो आपको खुद को चल के जाना पड़ेगा। ये उन्होंने हमारे साथ करके दिखा दिया और हमने प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे साथ थे इकराम आलम जो की नगर पंचायत फतेहपुर बारा बंकी से निर्दलीय प्रत्याशी है। आपको बता दें कि 11 मई को निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है, 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। सभी पार्टी से लेकर प्रत्याशी तक अपनी तैयारियों में लगे हुए, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं 9 मई को प्रचार प्रसार थाम दिया जाएगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी पार्टियां और प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ नगर संग्राम में आज हमारे साथ जुड़े थे इकराम आलम। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।